हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन प्रिपरेशन में आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूँ। ये सवाल एज इट इज भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आज आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर होते रहें एंड एग्जामिनेशन में आप सभी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज अ प्लेजरिज्म चेकर। सो आपसे पूछा गया है कि साहित्यिक चोरी को चेक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, साउंड फोर्ज, ग्रामरली, टर्निटिन या फिर फास्ट पेंसिल। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो स्टूडेंट्स देखिए, प्लेजरिज्म क्या होता है सबसे पहले ये बताती हूँ। साहित्यिक चोरी, अब मान लीजिए कि आप लोग अपना रिसर्च कर रहे हो, अपने रिसर्च थीसिस में आपने क्या किया, कुछ टेक्स्ट वहां पर मेंशन कर दिया, कुछ रिजल्ट्स अपने थीसिस में मेंशन कर दिए, रिसर्च के फाइनल रिजल्ट्स मेंशन कर दिए एंड आपने वहां पर क्लियरली लिख दिया कि ये रिजल्ट्स का जो भी डेटा है वो मैंने खुद रिसर्च किया है, लेकिन वो डेटा आपने कहीं से कॉपी किया है। हो सकता है आपने वो इंटरनेट की किसी वेबसाइट से कॉपी किया है, हो सकता है आपने किसी बुक से कॉपी किया है, या फिर कुछ समय पहले सेम टॉपिक पर किसी ने रिसर्च किया हो, आपने उनका डेटा यूज किया है अपने थीसिस में, अपने रिसर्च में, तो उस चीज को प्लेजरिज्म बोला जाता है, जो कि रिसर्च के फील्ड में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। एंड आपके थीसिस में, आपके डॉक्यूमेंट्स में प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी या फिर डुप्लीकेसी है या नहीं, उसको जांचने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका नाम है टर्निटिन। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर देख सकते हो, इट इज एन ओरिजिनलिटी चेकिंग एंड प्लेजरिज्म प्रिवेंशन सर्विस दैट चेक्स योर राइटिंग फॉर सिटेशन मिस्टेक्स और इन अप्रोप्रिएट कॉपिंग। कहीं पर अगर आप डेटा कॉपी करके एज इट इज यूज कर रहे हो, तो ये बता देगा आपके जो गाइड है उनको कि किस वेबसाइट से या किस बुक से आपने डेटा कॉपी किया है। ओके, इसके साथ ही ग्रामरली की अगर हम लोग बात करते हैं, सो ग्रामरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके सोशल मीडिया पोस्ट या फिर ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है या नहीं वो चेक करने के लिए बनाया गया है। साउंड फोर जो सॉफ्टवेयर है ये डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड फास्ट पेंसिल क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड में काम करता है, ठीक है। जैसे प्रिंटेड बुक्स, ई बुक्स को आपको अगर एक्सेस चाहिए, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए फास्ट पेंसिल सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सो ये देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार विजिट कर लीजिए, आप लोगों को बहुत सी जानकारी यहां से मिल जाएगी जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट्स अप्लाई टू सिचुएशंस बियॉन्ड द पर्टिक्यूलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑब्जर्व्ड इन अ सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर्स टू एज व्हाट। सिंपल से फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। इसमें बोला गया है कि
जो भी आपने एक डेटा कलेक्ट किया, मान लीजिए ये आपका पूरा जो पॉपुलेशन है, इसमें से आपने कुछ लोगों को एज अ सैंपल उठाया और उनका डेटा कलेक्ट किया, उनपे कुछ ट्रायल किया, उनपे कुछ रिसर्च की, और उन पर जो भी रिसर्च की, वो सारी रिसर्च उस इंडिविजुअल सैंपल पर जो रिसर्च की है, वो पूरी रिसर्च का रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पर काम आ रहा है, पूरी पॉपुलेशन पर वो फाइनल सेट बैठ रहा है, तो ये कौन सा रिसर्च की प्रॉपर्टी होती है? इंटरनल वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी या फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी? सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। जब कोरोना के वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो रही थी तो सब लोगों पर ट्रायल नहीं हुए थे, कुछ कुछ सैंपल्स उठाए गए थे, जैसे कि कुछ एज ग्रुप के बच्चों को उठाया गया था, लोगों को उठाया गया था, कुछ स्पेसिफिक डिजीज वाले लोगों को उठाया गया था, जैसे शुगर जिनको है, बीपी जिनका लो या हाई रहता है, उन पर ट्रायल किए गए थे, ठीक है, लोगों की डिफरेंट डिफरेंट डाइट के लोगों पर ट्रायल किया गया था। जब ये सभी पर वो कोरोना की वैक्सीन अच्छे से काम करी, फिर उसको पूरी पॉपुलेशन पे लगाया गया। तो ये होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट पर अगर हम कुछ ट्रायल करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं और फिर उसको एक्चुअल सेटिंग में यूज करते हैं, तो उसका सेम रिजल्ट आता है। Arrange the following steps involved in research process in correct order. So, research के steps आपको बताने हैं, data collection है, review of literature है, reporting of research outcomes है, या फिर research problem identify करना है, analyze और interpret करना है। तो इस question में देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया है, ये आपको देखिए students, दिसंबर 2023 में question पूछा गया था। सबसे पहले research के problem को identify किया जाता है, सो डी सही आंसर है, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम हटा देते हैं, उसके बाद बी या ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे या फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे। लिटरेचर रिव्यू क्या बोलता है, कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, उसमें उससे रिलेटेड सेम लिटरेचर, पहले साहित्य जिसने लिखा है, उसको रिव्यू करो, कि कहीं जो प्रॉब्लम आपको बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले किसी ने दे तो नहीं दिया। तो इसीलिए रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद लिटरेचर का रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बी के बाद डी बोला गया है, देन डेटा कलेक्ट करना उस बेसिस पर, उसके बाद एनालाइज करना और डेटा को इंटरप्रेट करना, कि हमने डेटा सही से समझा है, सही से डेटा का विश्लेषण और व्याख्या किया है या नहीं। Then we have reporting the research outcome. सबसे एंड में आउटपुट आउटकम्स हम देते हैं, तो ये है इसका सही सीक्वेंस। Which of the following steps in research are least vulnerable to research ethics? Okay, research ethics का मतलब होता है रिसर्च की नैतिकता। अब कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, तो उसके पूरी नैतिकता, पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ फॉलो करना जरूरी होता है। तो उसमें बोला है, अनुसंधान नैतिकता के प्रति सबसे कम संवेदनशील कौन सा है? Identifying the research variable, कि किन चरों पर हम कार्य करने वाले हैं, उसको फाइंड आउट करना सबसे कम संवेदनशील होता है। ओके, सो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। Defining the research variable, सो देखिए ए हमने सही बोल दिया और यही से हमें आंसर मिल जाता है, क्योंकि ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर नहीं आएगा, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर भी नहीं आएगा, रिपोर्टिंग रिसर्च आउटकम्स भी नहीं आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। The research wherein the focus of concern is the exploration of applicability of theories to newly emerging practices and domains of knowledge is called what? So, आपके पास चार रिसर्च के प्रकार दिए हैं, आपको वो टाइप रिसर्च का ढूंढना है जिसका मेजर फोकस थ्योरीज की एप्लीकेबिलिटी पर रहता है। कहां पर ये थ्योरीज को अप्लाई करना है? जो भी हमारे नए उभरती प्रथाएं हैं या फिर डोमेन्स है नॉलेज के, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र हैं, वहां पर हम उनको जब अप्लाई करते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च हमें मदद करती है? ऑप्शंस आर प्रैक्टिशनर्स रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, सिचुएशनल रिसर्च या फिर सेकेंड लेवल रिसर्च, एज इट इज डेफिनेशन है। ओके, सो हम वन बाय वन ऑप्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिशनर्स रिसर्च। सो प्रैक्टिशनर यानी कि जो हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो रिसर्चर्स होते हैं जो अंडर प्रैक्टिस हैं, अभी किसी गाइड के अंदर वो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं।
ठीक है, किसी भी प्रैक्टिस के लिए ये अपना नया नॉलेज जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है नॉलेज जनरेट नहीं करना है, जो ऑलरेडी थियोरीज है उनकी एप्लीकेबिलिटी देखनी है और कैसे उनको हम नए डोमेन में और उभरती प्रथाओं में इस्तेमाल करते हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर वन प्रैक्टिशनर्स रिसर्च तो बिल्कुल गलत आंसर है। ओके, इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है थियोरेटिकल रिसर्च। ये बेसिकली एक लॉजिकल एक्सप्लोरेशन होता है कि जो हमने बिलीव्स लिए थे, जो हमारी अजम्पशंस थी रिसर्च के दौरान, उनको कैसे हम यूज करेंगे सिस्टम में। तो थियोरेटिकल रिसर्च भी गलत ऑप्शन है। सिचुएशनल रिसर्च होता है जो कि कलेक्ट करता है डिफरेंट मेथड के थ्रू डेटा को, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी फोकस रखता है, एंड ये डेफिनेशन ऐसा नहीं बोल रही है, तो सही आंसर है सेकेंड लेवल रिसर्च। सो याद रखिए सेकेंड लेवल रिसर्च क्या होता है, बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च हमारे पास है, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, उस रिसर्च की समरी को ये इन्वॉल्व करता है, उसके सिंथेसिस को इन्वॉल्व करता है, एंड ये प्राइमरी रिसर्च और प्राइमरी डेटा एनालिसिस के सोर्सेस को हमेशा यूज करता है, जो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एज इट इज ये क्वेश्चन बहुत बार दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। सो रिमोट डेटा कलेक्शन क्या होता है, अब आप लोगों ने रिमोट टर्म जरूर सुनी होगी, जॉब के साथ इसको रिलेट करते हैं। जैसे आपके पास दो टाइप की जॉब्स के आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, एक होती है रिमोट जॉब्स और एक होती है वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स। ठीक है, तो रिमोट जॉब यही होती है जो आप अपने घर से बैठकर कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कहीं पर भी बैठो, सिर्फ काम से मतलब है। वैसे ही रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, आपको फील्ड में कहीं डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना है, ऑनलाइन आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज होते हैं, थर्ड पार्टी इंटरव्यू। ठीक है, थर्ड पार्टी इंटरव्यू के अलावा है पॉपअप्स। सो पॉपअप क्या होते हैं, तो थर्ड पार्टी इंटरव्यू तो इसके अंदर नहीं आते हैं। पॉपअप क्या होते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो उस वेबसाइट पे भी आपको छोटे छोटे से एड्स बीच में आते हैं जो आपको हर बार कट करने पड़ते हैं, वैसी कुछ चीजों को पॉपअप्स बोल सकते हैं, जो कि डेटा कलेक्शन में आपको हेल्प कर सकते हैं। डेटाबेस ईमेल बिल्कुल सही है, ईमेल के जरिए भी आप लोग डेटा कलेक्शन करके अपना रिसर्च जो है वो पूरा कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग या फिर अगला ऑप्शन है पैनल डिस्कशन। ओके, सो यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल एंड पॉपअप्स, ये तीनों जो है वो सही ऑप्शन है, दैट इज बी सी एंड डी ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस यूज्ड इन फुट नोट्स एंड एंड नोट्स मीन इन द सेम प्लेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि सेम चीज पर, सेम चीज को अगर डिफरेंट जगह पर भी आपने साइट किया है, ठीक है, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके एब्रीविएशन रिसर्च में क्या है। इसकी एब्रीविएशन होती है IBID। बहुत बार क्वेश्चन आया है, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर शुड बी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ऑलरेडी जो लिटरेचर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कल हमने पढ़ा था कि लिटरेचर रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है वो किस प्रॉब्लम से बचने में आपको मदद कर सकता है। ओके, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया, तो ये कह रहा है कि हमें लिटरेचर रिव्यू ये जानने में मदद करता है कि जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर आप रिसर्च कर रहे हो उसमें ऑलरेडी क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। What concepts and theories are relevant to this area? यह आपको एक आइडिया लेने में मदद करता है कि कौन कौन सी थियोरीज, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, बिल्कुल सही है। How to get funding of the research? No, this is not a correct statement. Funding के लिए हम लिटरेचर रिव्यू का इस्तेमाल नहीं करते। आई होप ये दो ऑप्शन में से आप समझ गए हो कि लिटरेचर रिव्यू करता क्या है। What are the significant controversies in this area? Okay, कि इस particular area में, इस particular domain में और क्या क्या controversies हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सही है, ताकि आप लोगों को और idea मिले आपकी research बेहतर करने में, इसलिए क्या करते हैं, literature review को इतना ज्यादा importance research में दिया जाता है। Next है, are there any inconsistencies in the findings of the area? Okay, तो क्या इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है या नहीं, ये जानने में भी आपको मदद करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ABDE, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। लिटरेचर रिव्यू
एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी होती है कि रिसर्च का जो आपका टॉपिक है उसमें पहले कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है सेम टॉपिक पर, उन्होंने क्या क्या आउटपुट्स निकाले थे, क्या क्या समरी उनकी थी, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपको आर्टिकल, बुक्स और जो भी रिलेवेंट रिसोर्सेज है उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के, उनको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो वैलिड रीजन बताया जा रहा है लिटरेचर रिव्यू का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It shows the present status of knowledge in the field of research so that the significance of proposed research question is clear. Okay, तो ये आपको बता रहा है कि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उस फील्ड में कितना ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में आसानी हो सके। बिल्कुल सही है। Then it gives a correct context to the scope of the work proposed in the thesis. आपको यह बताता है कि जो भी आप अपनी थीसिस में काम करने वाले हो, यह थीसिस में प्रस्तावित कार्य के दायरे का सही संदर्भ देता है, आपको एक सही डायरेक्शन में जाने में मदद करता है। एब्सोल्युटली ट्रू। इट डेमोंस्ट्रेट्स द स्कॉलर लाइंस ऑफ द थीसिस राइटर। नो, थीसिस लेखक की विद्वत्ता को यह प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं करता, ये सिर्फ आपको रिसर्च में मदद करने में जो है हेल्पफुल है। तो ए बी ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, तो देखिए दो ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो ए एंड बी मिल चुका है। इट फिल्स ए मिनिमम पेज रिक्वायरमेंट। नो, पेज रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई 500 पेज का आप थीसिस बनाओ तो वो पेज पूरा करने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली, दैट इज वन। ये रहा एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे, एंड आपका आंसर सही है या गलत वो आपको मैंने जो अभी टेलीग्राम ग्रुप बताया उस ग्रुप में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन में आपको नेक्स्ट डे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो उसको ज्वाइन भी करना है और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथीसिस। ओके, सो हाइपोथीसिस दो प्रकार के होते हैं, एक नल हाइपोथीसिस होता है, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथीसिस होता है, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। तो ये बोल रहा है कि अगर नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट कर देते हैं इन हर स्टडी एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथीसिस, और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर देते हैं, तो इसमें एक गलती जो है वो रिसर्चर ने कर दी, तो एरर का नाम क्या है, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, बोथ, या फिर नीदर वन नॉर टू। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए और एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने बताया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी के साथ फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जरूर हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर चाहते हो कि ऐसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ एंड आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लाती रहूँ। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।